अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दो रहे हैं लेसन। आप सोच रहे होंगे लेसन कहाँ से आ गया हमारे पास, तो ये मेरी फ्रेंड्स ने मुझे भेजा है। वो हमारे हमसाई भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं बहुत अच्छी, तो उन्होंने अपनी ज़मीनों पे काश्त किया हुआ था। मैंने एक दो व्लॉग में आपको उनकी ज़मीनों का भी विज़िट करवाया था, तो उन्होंने मुझे अब जो है वो भेजा है गिफ्ट के तौर पर। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। पहले हम इसे धोएंगे, फिर धूप में इसे सुखाएंगे। सुखाने के बाद फिर हम इसकी यानी कि एक एक मुठ लेकर इसकी बांध लेंगे। बांध के फिर इसे अच्छे से जब ये सूख जाएगा फिर इसकी ये सारी यहाँ से काट कर फिर इसे सेव कर लेंगे, और ये तकरीबन एक साल या छः मंथ तो चल ही जाएगा। तो आए वीवर्स, सबसे पहले हम इसे धोएंगे। लहसुन को वीवर्स मिट्टी बहुत लगी हुई है, इसलिए हम इसे धो रहे हैं। धो के अच्छे से सुखा लेंगे। अंदर ही धो के बैठे। बस देखें अबू बकर भी मेरी मदद कर रहा है। इस तरह बच्चों को छोटे मोटे कामों में आप अपने साथ लगा सकते हैं। बच्चे इस तरह बिजी भी रहेंगे और बाहर गलियों में खेलने भी नहीं जाएंगे, और इस तरह आपका काम भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और बच्चे भी इंजॉय करेंगे। आधा हमने इसमें भगो दिया है, आधा इसमें भगो दिया है, तो ये हाफ हाफ करके इसे भगो दिया। 5 मिनट के लिए इसे भगोएंगे और मिट्टी जो है वो खुद ब खुद ही आसानी से इसके साथ से उतर जाएगी। फिर इसे साफ पानी से अच्छे से धो के फिर इसे धूप में सुखाएंगे। अब हम इसे साफ पानी से धोएंगे। देखें अच्छे से जो इसकी मिट्टी है वो उतर चुकी है। Thank you.
यूनिवर्स, हमने इसे पानी से अच्छे से साफ कर लिया है, इसकी मिट्टी अच्छे से उतर गई है। अब हम इसे धूप में 2-3 घंटे के लिए सुखाएंगे। जब ये अच्छे से इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा तब हम इसे बांधेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, कपड़ा हमने बिछा लिया है, अब हम धूप में इसे सुखाएंगे। बकर भी मेरी मदद कर रहा है, इसे तरतीब से हम रख देंगे ताकि बाद में इसे बांधने में हमें मुश्किल ना हो। हम इसे धूप में तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे रखेंगे। जब ये अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो तब हम इसे अच्छे से बांध देंगे। व्यूअर्स, वो भी आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स देखें, लहसुन अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा लेकर इस तरह बांध लेंगे। बस देखें, हमने इसे बांध दिया है। ये भी तरीका मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, यानी कि हमारे हमसायों ने। तो ये देखें, इस तरह ये जगह भी कम घेरेगा अगर आप इस तरीके से इसे बांध कर रख लेते हैं। तो ये जब ये अच्छे से सूख जाएगी तब हम इसे हाफ हाफ यहाँ से काट लेंगे। तो अच्छे तरीके से किसी टोकरी में डाल के या किसी बॉक्स में डाल के इसे रख लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय जो है वो लाजमी दीजिएगा। जो नए हैं हमारे चैनल पर उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे फैमिली फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिए।